डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। MAPS 109, सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यूनिट 14, यूनिट नेम अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी एंड इम्पैक्ट इन वर्ल्ड। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर कामना यादव, उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। सबसे पहले हम देखते हैं उद्देश्य। उद्देश्य में समझने का प्रयास करते हैं, वर्तमान वैश्विक राजनीति में अमेरिका के महाशक्ति के रूप में उदय से अवगत होना है। अमेरिकी विदेश नीति के मुख्य लक्ष्यों एवं विशेषताओं को समझना है। राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के दौरान अमेरिकी विदेश नीति के संचालन के प्रभाव में वैश्विक परिदृश्य से परिचित होना है। अमेरिकी विदेश नीति के आधुनिक प्रवृत्तियां एवं विश्व राजनीति को समझना है। तो इसके आगे हम देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में संयुक्त राज्य अमेरिका आज विश्व की महाशक्ति है, परंतु अमेरिका विश्व की राजनीति तथा विश्व के मामलों को निरंतर प्रभावित करता रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम के प्रयोग के साथ ही युद्ध की समाप्ति का कारण बना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति द्विध्रुवी हो गई। इसके बाद शीत युद्ध तथा इसके समाप्ति के बाद विश्व की स्थिति एक ध्रुवी हो गई। अमेरिका ने प्रारंभ से ही साम्यवाद का विरोध किया है। अमेरिकी नेतृत्व वाले संगठन को पूंजीवाद गुट की संज्ञा दी गई है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना प्रभुत्व स्थापित किया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका आज विश्व में महाशक्ति के रूप में उभरा है। तो उसके विश्व शक्ति जो उभरा हुआ है, उसके उभरने के बहुत ढेर सारे रीजंस हैं, क्योंकि वह प्रारंभ से ही पूंजीवाद का समर्थक रहा है, पूंजीवाद का और पूंजीवाद गुट का स्वयं वह नेता रहा है। साम्यवादी गुट का वो जो हमेशा विरोध करता रहा है। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में वह स्वयं शामिल नहीं था, किंतु अंत में जब अमेरिका के पर्ल हार्बर नामक द्वीप में जब जापान द्वारा अतिक्रमण किया गया, तब जापान में अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर जो है बम ब्लास्ट कर दिया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व समाप्त हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि अमेरिका को जो भी चुनौती देने वाली शक्तियाँ थीं वो डाउन हो गई, वो समाप्त हो गई, और अमेरिका इस प्रकार से पूरे विश्व में महाशक्ति के रूप में उभरा। और अमेरिका लगातार अपने शक्तियों को बढ़ाता रहा है और अपने प्रतिद्वंदियों को जो है वो नीचा दिखाता रहा है, अपने प्रतिद्वंदियों को डाउन करने का प्रयास किया है उसने। तो इसके आगे हम देखते हैं अमेरिका महाशक्ति के रूप में उदय। तो अमेरिका का जो है महाशक्ति के रूप में उदय किस प्रकार से होता है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति है। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय राजनीति का नियंता और संचालक है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व अमेरिका की स्थिति आज से भिन्न थी। उसने आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय मामलों में पृथकवाद की नीति अपनाई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका विजेता और विजित दोनों राष्ट्रों में अकेला ऐसा राष्ट्र था जिसने युद्ध में कोई आर्थिक क्षति नहीं हुई। इसकी क्षमता सामर्थ्य उसी तरह बनी रही। अमेरिका ने महाशक्ति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रियता से भाग लेना प्रारंभ कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अमेरिकी विदेश नीति की आधारशिला रखी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में। सोवियत संघ का जैसे ही विघटन होता है तो अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है। उसके पहले जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, विश्व में दो गुट हो गए थे, दो ध्रुवीय व्यवस्था हो गई थी, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था हो गई थी। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा था। उसने साम्यवाद का विरोध किया था और अन्य महाशक्तियों को जो है उसने चुनौतियाँ दिया और उनको डाउन करने का हमेशा प्रयास किया और अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। विश्व राजनीति में उसने प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया था। वो हमेशा अपने आप को अलग रखा। जैसे ही देखा कि उसका उस पर
किसी अन्य देश द्वारा अतिक्रमण हो रहा है तो हिरोशिमा नागासाकी पर बम ब्लास्ट करके उसके को चुनौती दिया और उसकी चुनौती को जापान की चुनौती को समाप्त कर दिया। इस प्रकार से अपने आप को जो है स्थापित करने में अमेरिका सफल रहा और विश्व युद्ध में अमेरिका को कभी भी क्षति नहीं हुई। अमेरिका हमेशा मित्र राष्ट्रों का समर्थक रहा है, उसको कभी भी युद्ध के द्वारा उसको क्षति नहीं हुई तथा वो हमेशा अपनी शक्ति को लगातार बढ़ाता रहा है और अपना सामर्थ्य शक्ति प्राकृतिक संसाधन से भरपूर है और मानव संसाधन को भी उसने बढ़ाने का डेवलप करने का जो है प्रयास किया है। टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा उसने वर्चस्व स्थापित किया है, इसीलिए आज अमेरिका महाशक्ति के रूप में सामने आया है। इसके आगे हम देखते हैं अपने राष्ट्र को विश्व में अग्रणी राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठापित किया है। इस परंपरा का अन्य राष्ट्रपतियों ने अनुसरण किया। अमेरिकी विदेश नीति के निर्धारक तत्व हैं जैसे भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, विदेश नीति निर्धारण का तंत्र, अमेरिकी परंपरा व समसामयिक परिवर्तन एवं गठबंधन की कूटनीति। इसके अलावा अमेरिकी लोगों के राष्ट्रीय चरित्र ने भी इस देश को महाशक्ति के रूप में विकसित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। प्रमुख रूप से अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर बम ब्लास्ट एवं साम्यवाद का विरोध, पूंजीवाद को बढ़ावा, इसके नाम पर सैनिक आर्थिक तकनीकी सहायता अन्य देशों को प्रदान किया जिससे अन्य राष्ट्र अमेरिका के समर्थक बन गए। सैन्य कार्रवाई करके अन्य राष्ट्रों पर हस्तक्षेप किया जिससे अमेरिका का महाशक्ति के रूप में उदय हुआ। अपने राष्ट्र को विश्व में जो है अग्रणी रूप से स्थापित करने के लिए अमेरिका ने अपनी महाशक्ति को स्थापित करने के लिए पूंजीवाद को बढ़ावा दिया है। पूंजीवाद का स्वयं ही लीडर था तथा उसने साम्यवाद का विरोध किया है, साम्यवादी गुटों का विरोध किया है और पूंजीवादी गुट का जो है खुद ही नेता था, लीडर था तथा पूंजीवाद का ही पूरे विश्व में प्रसार किया है। और अमेरिका को महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या और लोगों का चरित्र, ये सब जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अमेरिका की ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत ही खराब थी। अमेरिका 1776 में गुलामी से आज़ाद हुआ था, ये जो है इंग्लैंड का उपनिवेश था, तो इंग्लैंड के उपनिवेश था तो उस समय बहुत ही ज़्यादा इसकी टफ कंडीशन थी, ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत ही टफ थी, वहाँ उर्वर क्षेत्र का अभाव था, लेकिन टेक्नोलॉजी का जो है उन्होंने विकास किया और जो है टफ से टफ कंडीशन को जो है सरल बनाने का प्रयास किया और उन क्षेत्रों को जहाँ उपजाऊ नहीं थे उनको उपजाऊ बनाने का प्रयास किया, संचार साधन, यातायात के साधन विकसित किया और अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर से अमेरिका घिरा हुआ है। अगर सागरों से जो कोई भी देश यदि घिरा होता है तो वह अपने नौसेना को जो है मजबूत करने का प्रयास करता है। अमेरिका ने यही किया क्योंकि अमेरिका चारों ओर से महासागरों से घिरा हुआ है, इसलिए अमेरिका की नौसेना बहुत ही मजबूत है और नौसेना के साथ साथ वायुसेना भी उसने मजबूत किया है। इसके अलावा संचार के साधन, सड़क, यातायात निर्माण, इस तरीके से बहुत चीज़ों को उसने जो है बढ़ावा दिया है, मजबूत किया है। टेक्नोलॉजी में आज विश्व में सबसे ज़्यादा अपना प्रमुख स्थान रखता है। किसी भी देश को संपन्न बनाने के लिए वहाँ का प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन यदि डेवलप है तो मान लिया जाता है कि वो देश बहुत ज़्यादा विकास की अवस्था में है। अमेरिका के साथ यही स्थिति है। अमेरिका जो है प्राकृतिक संसाधन से भरपूर है, प्राकृतिक संसाधन तथा मानव संसाधन और टेक्नोलॉजी में एकदम पूरी डेवलप की पूरी अवस्था पूर्ण कर चुका है, इसलिए अमेरिका आज विश्व में पूरा विकसित देशों की श्रेणी में आता है और विश्व में नंबर एक की श्रेणी में आता है। और अमेरिका को जो शक्तिशाली बनाने में वहाँ के लोगों का चरित्र भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अमेरिका के लोगों का चरित्र सुदृढ़ और चरित्रवान, मनोबल ऊंचा है। सैनिकों के अंदर मनोबल की कमी नहीं है, मनोबल बहुत ऊंचा है कि हम विश्व में कहीं भी जो है जा करके उनको डाउन कर सकते हैं, विश्व को कहीं भी हम अपने झंडा गाड़ सकते हैं, विजय कर सकते हैं,
तो इस प्रकार से वहाँ के सैनिकों के पास मनोबल की कमी नहीं है, मनोबल बहुत ज़्यादा ऊंचा है। और इसके अलावा जितने भी अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, अमेरिका की पॉलिसी को इस प्रकार से बनाया है, अमेरिका की पॉलिसी को इस प्रकार से नियंत्रित किया है और विदेश नीति को इस प्रकार से बनाया है कि अमेरिका ग्रो करता ही रहा है और ग्रोथ पे ग्रोथ अमेरिका की होती रही है। तो सबसे ज़्यादा जो है राष्ट्रपतियों का योगदान रहा है उन्होंने, क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, जो अध्यक्ष और वहाँ का प्रमुख लीडर, प्रमुख नेता राष्ट्रपति होता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति प्रमुख होता है सभी कार्यों के लिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ही जिम्मेदार होता है। इसके आगे हम देखते हैं अमेरिकी विदेश नीति के लक्ष्य, अमेरिकी विदेश नीति के लक्ष्य क्या क्या हैं। अमेरिकी विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य है नंबर एक, विश्व शांति। अमेरिकी विदेश नीति का एक लक्ष्य है विश्व में शांति की स्थापना करना। अगर शांति की स्थापना होगी तभी विश्व में विकास हो सकता है, विश्व के देश विकास कर सकते हैं। तो इसीलिए विश्व में शांति करना है। अगला नंबर है गुट निरपेक्ष का समर्थन। जितने गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं उनका समर्थन करता है अमेरिका, यह अमेरिका की पॉलिसी में है। अगला है साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा नस्लवाद का विरोध। अमेरिका साम्राज्यवाद, नस्लवाद, उपनिवेशवाद का विरोध है, क्योंकि अमेरिका स्वयं ही इसका भुक्त भोगी रहा है। अमेरिका में नस्लवाद, रंग भेद, इस प्रकार के जो है समस्या पाई जाती थी और इसके खिलाफ ढेर सारे अमेरिका में आंदोलन चलाए गए, जिससे जो है इससे निजात पाई गई। अमेरिका रंग भेद के खिलाफ जो है उसका समर्थन किया है। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना। अमेरिका ने जो है राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। अमेरिका की जितनी पॉलिसीज हैं अपनी जो है सुरक्षा से, रक्षा सुरक्षा से संबंधित, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते करना, उन देशों को से संधियां करना जो कि अमेरिका के लिए लाभकारी हैं, हितकारी हैं। अमेरिका का प्रोडक्शन और अमेरिका में जो जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका कहीं जहाँ पे खपत होती है तो उन राष्ट्रों से जो है वहाँ पे सप्लाई करके उन राष्ट्रों से मित्रता करता है और मित्रता करता समझौते के तहत, जैसे कि भारत से ही और ढेर सारे देशों से उसने समझौता किया है, संधियाँ किया है और साथ साथ अन्य देशों के क्षेत्रों में भी जा जा करके अन्य क्षेत्रों में वो उसने जो है इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे तकनीकी क्षेत्र हो, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी हो। तो अमेरिका ने संधियां समझौतों के माध्यम से अन्य देशों में जो है अपनी सप्लाई जारी रखता है और जहां पे खपत होती है, जहां पे बहुत बड़ी जनसंख्या है, उन देशों में अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करता है। अगला है यूरोप के लोकतांत्रिक देशों पर अपना वर्चस्व कायम करना। यूरोप के लोकतांत्रिक देशों पे अपना वर्चस्व कायम किया हुआ है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के जो कंडीशंस हैं तो वो लगभग एक जैसी हैं और यूरोप यानी इंग्लैंड के लोग ही जाकर के अमेरिका में बस गए थे, और तो इसलिए उन लोगों में कोई भी कंट्रडक्शन नहीं है, वो साथ साथ भाई भाई की भूमिका में रहते हैं और यूरोप और अमेरिका साथ साथ मिल कर कर के अपने विकास को बढ़ावा देते हैं। अगला है विश्व की अर्थव्यवस्था और विश्व के प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करना। अमेरिका का एक और उद्देश्य है, लक्ष्य है कि विश्व के जितने प्राकृतिक संसाधन हैं जिसका कि वहाँ पे अपना वर्चस्व स्थापित करने का वो प्रयास करता है, ताकि अमेरिका का जो है प्रभुत्व बना रहे। अगला है लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर अन्य राष्ट्रों पर हस्तक्षेप की नीति। तो अमेरिका का लक्ष्य यह भी है कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए अन्य राष्ट्रों पर जो हस्तक्षेप की नीति भी अपनाता है। अगर किसी राष्ट्र में लोकतंत्र की रक्षा नहीं की जा रही, मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो अमेरिका उस राष्ट्र पर जो है हस्तक्षेप कर देता है। अगला है मानवाधिकारों की रक्षा करना। तो अमेरिका का जो संविधान है, संविधान में अमेरिकी घोषणा पत्र में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उसमें जो है ये बात लिखी गई है कि मानवाधिकारों की रक्षा करना बहुत ही आवश्यक है। मानवाधिकारों की रक्षा करना ये हमारा प्रमुख लक्ष्य है। अगला है
विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित करना। तो अमेरिका का यह भी लक्ष्य है कि विश्व की एकमात्र शक्ति के रूप में अपने आप को स्वयं प्रतिस्थापित करना, क्योंकि अगर अमेरिका के बराबर कोई भी प्रतिद्वंदी उभर कर सामने आएगा तो अमेरिका का वर्चस्व कम हो जाएगा और अमेरिका डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि हमें कोई चुनौती देने वाला हमारे समक्ष खड़ा हो। जो भी खड़ा होता है तो अमेरिका हमेशा उसको डाउन करने की, नेस्तनाबूत करने की कोशिश कर। विभिन्न राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में अमेरिकी विदेश नीति की विशेषताएँ, तो विभिन्न राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में अमेरिकी विदेश नीति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। देखते हैं 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपरांत अमेरिका ने लोकतंत्र को अपनी शासन व्यवस्था का आधार बनाया। वुड्रो विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की 4 स्वतंत्रता की नीति, रोनाल्ड रीगन का क्लिंटन के प्रशासन के समय कूटनीति के कारण अमेरिका की विदेश नीति को काफ़ी मजबूती मिली। तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ था। अमेरिका ने नारा दिया था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का मतलब है कि टैक्स तो लगाया जा रहा है और जो संस्था टैक्स लगा रही है, जो गवर्निंग बॉडी टैक्स लगा रही है, उसमें हमारा भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि उसमें यदि प्रतिनिधित्व होगा तो पता होगा कि कहाँ पे कितना टैक्स लगाया जाना चाहिए, कितना परसेंट लगाया जाना चाहिए, और ताकि शोषण ना हो, क्योंकि अमेरिका में जो मूल निवासी थे तो उनको जो है प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा था। जो बाहर से आए हुए लोग थे तो वही पूरा अमेरिका में जो है सारी शासन व्यवस्था का कार्यभार संभाल रखा था। अमेरिका में जो मूल निवासी हैं वो काले लोग हैं और गोरे काले का जो है भेदभाव किया जाता था, और गोरे लोग के हाथ में शासन व्यवस्था थी जो मूल रूप से वहाँ के निवासी थे, तो वहाँ उन लोगों को शासन व्यवस्था में किसी प्रकार की भागीदारी नहीं थी। तब वहाँ के लोगों ने मिल करके यह आंदोलन चलाया कि हमको शासन में भागीदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से यदि हम अपने देश में रहते हैं हमको शासन में किसी प्रकार की भागीदारी नहीं मिलेगी तो सरासर अन्याय होगा, शोषण होगा, अत्याचार होगा। तो इसलिए अमेरिकी नागरिकों ने यही नारा दिया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, और इसी आंदोलन को जो है बढ़ावा दिया। आंदोलन के बाद या 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता मिली। इसके बाद जब राष्ट्रपतियों का कार्यकाल शुरू होता है तो राष्ट्रपतियों ने अपने अपने हिसाब से जो है नीतियों को तय करने का प्रयास किया। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की 4 स्वतंत्रता की नीति, रोनाल्ड रीगन का क्लिंटन के प्रशासन के समय कूटनीति के कारण अमेरिका की विदेश नीति को काफ़ी मजबूती मिली। तो वुड्रो विल्सन ने 14 सूत्री कार्यक्रम, जो कि इसी 14 सूत्री कार्यक्रम का मतलब है कि मानवाधिकारों की रक्षा करना और अमेरिका में विकास को बढ़ावा देना, टेक्नोलॉजी, विज्ञान, तकनीकी, ये सब का प्रसार करना और इनका जो है बढ़ावा करना, बढ़ावा देना, तो इस प्रकार के कार्यक्रम को जो है गति मिली। और जो राष्ट्रपतियों ने उसी जो है पद चिन्हों पर चलकर उन्हीं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए और अमेरिका की जो है आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। युद्धोत्तर युग के बाद अमेरिका की महाशक्ति के रूप में अभ्युदय के बाद इसकी बागडोर अन्य राष्ट्रपतियों के हाथ में रही, जैसे हेनरी ट्रूमैन, ह्वाइट डी आइजनहावर, जॉन एफ कैनेडी, लिंडन बी जॉनसन, रिचर्ड निक्सन, जिमी कार्टर, रोनाल्ड रीगन, जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश जूनियर, हिलेरी क्लिंटन, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। तो इन सब राष्ट्रपतियों ने एक मजबूत आधारशिला को आगे बढ़ाते हुए हर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने का मजबूत इरादा रखते हुए, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे सभी राष्ट्रपतियों ने जो विदेश नीति तय की गई थी उसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका के विकास को एक नई दिशा एवं गति प्रदान किया, जिससे एक अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। इनकी निम्नलिखित नीतियां थीं, जैसे
साम्यवाद का विरोध करना, पूंजीवाद को अपनाना साम्यवाद का विरोध करना, मतलब साम्यवाद जो कि सोवियत संघ इसका जो है साम्यवाद का प्रतिस्थापक रहा है, तो सोवियत संघ ने साम्यवाद को पूरे विश्व में प्रसार करने का जो है निर्णय लिया था, जिम्मेदारी उठाई थी, लेकिन सोवियत संघ का विघटन हो गया क्योंकि सोवियत संघ का जो साम्यवाद था तो अमेरिका के पूंजीवादी नीतियों को जो है चुनौती नहीं दे सका और जो है 1991 में साम्यवाद का विघटन हो गया। तो अमेरिका की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मानवाधिकारों की रक्षा है, ये सब चीज़ को बढ़ावा मिलता है, पूंजीवाद का जो है पूरे विश्व में प्रसार करना अमेरिका का जो है लक्ष्य है, क्योंकि अमेरिका की नीतियाँ जो अमेरिका की नीतियाँ हैं पूंजीवाद को बढ़ावा देना, लोकतांत्रिक नीतियों को बढ़ावा देना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, इन सब नीतियों को बढ़ावा देना जो अमेरिका का जो है मूल लक्ष्य है। तो अमेरिका का लक्ष्य है पूंजीवाद को अपनाना, पूंजीवाद को स्वयं भी अपनाया हुआ है अमेरिका ने, प्लस पूरे विश्व में यह लागू करना चाहता है, क्योंकि जो व्यवस्था जो स्वयं की व्यवस्था होती है अन्य देशों में प्रसारित करने से अन्य देशों का उनको समर्थन प्राप्त होता है। तो सैन्य गठबंधन भी किया हुआ है और अमेरिका ने जो है पूंजीवाद का प्रसार किया है, और जहां जहां जिस देश ने पूंजीवाद को अपनाया है, सैन्य गठबंधन किया है, अमेरिका को पूरी तरह से समर्थन प्राप्त है, अमेरिका को जो है समर्थन दे रहे हैं। इसके बाद मार्शल योजना, एक मार्शल योजना लाई गई थी आर्थिक क्षेत्र में विकास करने के लिए। यह मार्शल योजना यूरोप और अमेरिका ने मिल करके प्लान बनाया था, एक आर्थिक परिषद का जो गठन किया था, और उसी के तहत ये मार्शल योजना लाई गई थी, जिसमें कि व्यापार और ट्रेड आदि क्षेत्रों में जो है फ्लेक्सिबिलिटी को लाया जाएगा, जिससे कि ट्रेड व्यापार आदि को जो है बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ट्रेड व्यापार के बढ़ावा मिलने से ही देश का विकास होता है, उद्योग धंधों को जो है बढ़ावा मिलता है तभी देश का विकास होता है। आगे नव साम्राज्यवाद, नव उपनिवेशवाद। तो उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद तो समाप्त हो चुका है, अमेरिका ने नव साम्राज्यवाद नव उपनिवेशवाद को जो है अपनाने का प्रयास किया है और जो ये अपनाना चाहता है, क्योंकि विश्व में उसको अपना वर्चस्व स्थापित करना है, तो नव उपनिवेशवाद नव साम्राज्यवाद का नारा दिया है। नव उपनिवेशवाद नव साम्राज्यवाद का तात्पर्य क्या है, ये पूरी आर्थिक नीतियों से जुड़ा हुआ है, उनको जो है अमेरिका को अपनी आर्थिक नीतियों को विश्व में प्रसारित करना है, सभी को फॉलो कराना है और अपनी नीतियों को सब पे लागू करना है। तो अगर आर्थिक नीतियाँ पूंजीवाद, तो पूंजीवाद की नीति सभी को लागू करना है, सभी को मानना है, तो जब किसी राष्ट्र की नीति को सभी लोग फॉलो करते हैं तो उसका जो है अपने आप ही विस्तार होता है और वहां तक उसका साम्राज्य फैलता है। तो यही नव उपनिवेशवाद नव साम्राज्यवाद यही है। अगला है संयुक्त राष्ट्र का समर्थन। तो अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र का समर्थन किया हुआ है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में अपना जो है प्रभुत्व स्थापित किया है, उसको वीटो पावर हासिल है, सुरक्षा परिषद में जो है उसको वीटो पावर हासिल है, तथा उसके अन्य जो सदस्य हैं उनको भी जो वीटो पावर हासिल है। 5 राष्ट्र हैं ऐसे कि जिनको वीटो पावर हासिल है, तो वो सब अमेरिका ही से ही समर्थित हैं। कुछ ऐसे राष्ट्र जो अमेरिका के समर्थन में नहीं है, जैसे कि चाइना है, रसिया है, तो ये दो ही राष्ट्र ऐसे हैं लेकिन लगभग अमेरिका के ही समर्थन में है, क्योंकि अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में है, पूंजीवादी गुट है। अगर पूंजीवादी गुट है और साम्यवादी गुट उसका जो है अमेरिका का जो विरोध करता है, लाजमी है बात कि अगर पूंजीवादी गुट है और साम्यवादी गुट है तो साम्यवादी गुट तो क्या हो गए, अलग अलग दिशा के हैं और पूंजीवादी गुट को साम्यवादी गुट विरोध करता है, लेकिन साम्यवादी गुट को इतना कमजोर कर दिया गया है कि अमेरिका के पूंजीवादी जो है गुट को समर्थन करना उसका जो है उसकी मजबूरी है और उसका विरोध नहीं कर सकता है। अगला है समझौतों वार्ताओं द्वारा पूर्व पश्चिम के मतभेदों को कम करना। तो समझौतों और वार्ताओं द्वारा पूर्व पश्चिम के मतभेदों को कम करना, ये अमेरिका हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहता है। ये नहीं है कि अगर
सब आयुधों से लैस वैस है तो कहीं भी युद्ध हमला कर दें, उसका ये कतई इरादा नहीं है। अमेरिका हमेशा सूझबूझ और रणनीति से ही काम लेता है, क्योंकि अमेरिका का मानना है, क्योंकि मानवाधिकार की रक्षा जो है उसने अपने संविधान में इस चीज़ को डाल रखा है। तो अगर मानवाधिकारों की रक्षा नहीं करेगा तो बड़े भाई की भूमिका में नहीं रह पाएगा, और इसीलिए वो मानवाधिकारों की रक्षा करता है और जो है युद्ध से बचता है, युद्ध तब का सहारा नहीं लेता है और समझौतों के द्वारा ही सभी समस्याओं का समाधान करता है। अगला है शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा। तो जब शीत युद्ध चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो शस्त्रीकरण का जो है दौर चल रहा था, क्योंकि पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट में जो है कंट्राडक्शन था, तो इस वजह से दोनों गुटों में आपसी टकराव, आपसी मतभेद थे, इसी जो है शस्त्रीकरण की दौड़ हो गई थी और जो है अन्य क्षेत्र के जो विकास हैं वो अवरुद्ध हो गए थे, रुक गए थे। इसीलिए ढेर सारी संधियां, समझौते किए गए और शस्त्र नियंत्रण निशस्त्रीकरण को जो है बढ़ावा दिया गया था। अगला है परमाणु अप्रसार पर हस्ताक्षर हेतु अन्य देशों पर दबाव बनाना। एक अमेरिका CTBT NPT इस तरह की संधि लाया है। तो परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु का मतलब प्रसार नहीं करना है, उस पर रोक लगाना है। तो इस प्रकार की संधि जो देश नहीं कर रहे हैं उन पर जबरदस्ती दबाव बनाता है कि इस पर आपको हस्ताक्षर करने होंगे, और अन्य देशों का यह मानना है कि यह जो संधि है बहुत भेदभावपूर्ण है, क्योंकि जो है कुछ राष्ट्रों को तो ये अनुमति देता है कि वह शस्त्र अस्त्र शस्त्र सब रख सकते हैं, लेकिन कुछ राष्ट्रों को प्रतिबंधित करता है, कटौती करने के लिए मजबूर करता है, इसलिए कुछ राष्ट्र उस पर जो है संधि पे हस्ताक्षर करते नहीं है और करने से मना कर देते हैं। अगला है आतंकवाद को नियंत्रित करना। तो अमेरिका के एजेंडे में यह भी है कि आतंकवाद को हमको नियंत्रित करना है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब आतंकी हमला हुआ था तो अमेरिका ने जो है उस आतंकवादी संगठन का नेस्तनाबूत कर दिया था। वो कभी भी नहीं चाहता कि हमारे देश में इस तरह के हमले हों या अन्य कहीं भी देश में हमले हों, क्योंकि आतंकवाद से देश का इसका नुकसान ही होता है और कहीं भी इसका विकास नहीं होता है, तो विनाश कोई भी नहीं चाहता है। अगला है अमेरिका विदेश नीति की आधुनिक प्रवृत्तियां। तो अमेरिका की विदेश नीति की जो आधुनिक प्रवृत्तियां हैं, तो हम देखते हैं वो प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। नंबर एक, संपूर्ण विश्व में सामरिक अड्डों का विस्तार, जल थल अंतरिक्ष में गुप्तचर तंत्र का जाल। अगला है विश्वव्यापी संचार तंत्र का प्रभाव। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर नियंत्रण, साम्यवाद को रोकने हेतु सैनिक गुटबंदी, द्वितीय पक्ष, बहुपक्षीय, सामरिक, आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी समझौतों की भरमार। तो अमेरिकी विश्व नीति, अमेरिका में जो नीतियां चल रही हैं तो उसकी जो है आधुनिक परिप्रेक्ष्य में ये नीतियां रखी गई हैं कि कहीं भी अमेरिका सामरिक अड्डों का जो है विस्तार कर रहा है, जैसे कि जो उस अमेरिका से जिन देशों ने सैन्य गठबंधन किया हुआ है उन देशों के पास अपने आयुधों का भंडार एकत्रित किया हुआ है, ताकि वक्त आने पर उसको जो है सपोर्ट कर मिल सके और जो है उसके काम आ सके। तो जैसे कि अमेरिका का भारत के जो पड़ोसी देश है, अमेरिका का चहेता है पाकिस्तान, और ढेर सारे ऐसे देश हैं जो कि अमेरिका से घनिष्ठ संबंध है, सैनिक गठबंधन किया हुआ है, तो इस प्रकार से तो उनका पूरा सपोर्ट करता है और उन्हीं के एरिया में अपने जो है आयुधों को, शस्त्रों को जो है सामरिक क्षेत्रों में जो है रखा हुआ है। जल थल अंतरिक्ष में गुप्तचर तंत्र का जाल। तो जल थल में अंतरिक्ष में अमेरिका का गुप्तचर तंत्र का जाल बिछा हुआ है, क्योंकि अमेरिका पूरे विश्व में यह जानने का प्रयास करता है कि अमेरिका के विरुद्ध कोई, उसके विरुद्ध कोई गतिविधि तो नहीं कर रहा है, अमेरिका को नेस्तनाबूत करने के कोई देश तो नहीं सोच रहा है, तो वो सैटेलाइट के जरिए सभी देशों पर अपना जो है नियंत्रण स्थापित करता है और देखने का प्रयास करता है। तो इसीलिए अमेरिका ने ये इस तंत्र का बिछा रखा है।
विश्वव्यापी संचार तंत्र का प्रभाव, तो पूरे विश्वव्यापी संचार तंत्र का प्रभाव भी है कि जो कि ग्लोबलाइजेशन जिसको कहते हैं, संचार तंत्र के माध्यम से पूरा विश्व जो है एक करीब चुका है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, तो व्यापार संगठन है, तो इन संस्थाओं पर अमेरिका का प्रभुत्व है, क्योंकि अमेरिका ने उस पर अपना प्रभुत्व इसलिए जमा रखा है क्योंकि अन्य देशों को जो है वो डोमिनेट कर सके, अन्य देशों पे जो है वो अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। अगला है सैनिक गठबंधन, साम्यवाद को रोकने के लिए सैनिक गठबंधन गुटबंदी कर रखा है, बहुत ढेर सारे देशों से सैनिक गठबंधन किया हुआ है ताकि साम्यवाद के प्रसार को हम रोक सके। द्विपक्षीय बहुपक्षीय सामरिक आर्थिक व्यापारिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी समझौतों को भरमार, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अमेरिका ने ढेर सारे समझौते के माध्यम से अन्य देशों में निवेश करने की जो है कोशिश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है ताकि उनका अमेरिकी माल की खपत हो सके और जो है सप्लाई कर सके और अपने उद्योग धंधों को जो है बढ़ावा मिल सके और अपने उद्योग धंधों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। सामरिक शक्ति के विकास की नीति, अमेरिका ने सामरिक शक्ति के विकास की नीति को अपना रखा है। क्या है वो नीति, हम जानने का प्रयास करते हैं। अमेरिका आज अतुलनीय सामरिक शक्ति से संपन्न है। सामरिक शक्ति का मतलब स्ट्रैटजी जो हमने मेंटेन किया हुआ है, अपने जो सीमाओं को हमने जो है वहाँ पे सुरक्षा की जो सुविधा मुहैया करा रखी बहुत ही मजबूत। तो सामरिक स्थिति का मतलब हमने जो है अपने आप को चारों ओर जो हमारी सामरिक स्ट्रैटजी है तो हमने उसको मजबूत करने का प्रयास किया है। अमेरिका ने अपने आयुधों को विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित कर रखा है। उसने यूरोप पूर्वोत्तर अफ्रीका साम्यवादी विस्तार को रोकने के लिए अटलांटिक महासागर में अपने नौसैनिक बेड़े स्थापित किए हैं। अन्य बहुत से देशों से सैन्य गठबंधन किया है ताकि सैन्य संधि के तहत नए आयुधों भंडारों को स्थापित करने की सुविधा प्राप्त हो सके। तो उसने सैन्य गठबंधन इसीलिए किया है कि नए नए आयुधों को जो है वहाँ पे रख सके और जो है जब उसको वक्त जरूरत पड़े तो काम आ सके। इसके अलावा पश्चिम एशिया उत्तर पूर्वी अफ्रीका देश अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर में स्थित अमेरिका के डियागोर्सिया सैनिक अड्डे तक जाने का मार्ग यहीं से है। तो सैनिक अड्डे का जो जाने का मार्ग है उस पर भी अमेरिका ने नियंत्रण स्थापित कर रखा है। फिर अमेरिका नाटो सैन्य गठबंधन द्वारा पश्चिमी यूरोप के प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। नाटो का जो सैनिक गठबंधन है अमेरिका का, तो उसके तहत जो पश्चिमी यूरोप का जो क्षेत्र है तो पूरी तरीके से प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका से जुड़ा हुआ है और अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है। दक्षिण एशिया में अमेरिकी विदेश नीति का सबसे बड़ा शिकार भारत हुआ है। अमेरिका ने भारत के को चारों ओर से बसे हुए देशों को अपने वैभव के जाल में फंसा रखा है। वो देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, भारत को जनधन की हानि पहुंचाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान अमेरिका के जो सैन्य गठबंधन में शामिल है और जो है अमेरिका के वैभव में जो है फंसा हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है हमारे यहाँ भारत की सीमा पर इस प्रकार से आतंकी गतिविधियों को जो है प्रोटेस्ट करता है और आतंकी गतिविधियों को जो है अंजाम देता है, जिससे भारत की जो है सीमा पर इस प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं, हमारे भारत को जन धन की जो है हानि पहुँचाता रहता है और इसका जो है पूरी तरीके से अमेरिका समर्थन करता है। सारांश देखते हैं, उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि अमेरिका विश्व की महाशक्ति है। अपनी विशाल आर्थिक सैनिक सहायता द्वारा अमेरिका ने अपने लिए विशाल प्रभाव क्षेत्र स्थापित करने का सफल प्रयास किया है। आर्थिक साम्राज्य तथा सैन्य अड्डे दुनिया भर में स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। संसार के गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों से खटकते हैं, वह अपनी आर्थिक संपदा के बल पर उन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। तो अमेरिका ने अपने जो है सिद्धांत में तो दे रखा है कि हम गुटनिरपेक्ष जो है आंदोलन का समर्थन करते हैं, उन राष्ट्रों को हम सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन अमेरिका का जो ये चरित्र है, अमेरिका कभी भी किसी को यह आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है। जो भी अमेरिका को चुनौती देता है और अमेरिका को लगता है कि वो राष्ट्र जो है आगे बढ़ रहा है तो उसको जो है नेस्तनाबूत कर देता है, उसको डाउन करने का प्रयास करता है,
तो इसलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो राष्ट्र हैं तो उनको अमेरिका को कभी नहीं भाते हैं और उनको हमेशा डाउन करने का प्रयास करता है। अमेरिका हमेशा जो है महाशक्ति अपने आप को बनाए रखा है और हमेशा बनाए रखना चाहता है और अन्य राष्ट्रों को अपने जो है छोटे भाई तथा जो है जो विरोध में रहते हैं भाई, मतलब जो देश विरोध में रहते हैं उनको हमेशा डाउन करने का प्रयास करता है। अमेरिका ने हमेशा अपना प्रभुत्व कायम करने की कोशिश की और जो हमेशा अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ है और कायम करने का प्रयास किया है, हमेशा महाशक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल रहा है। इस थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।